ਉਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। उधर साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की हालत स्थिर है। सीनियर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। सीनियर बादल नू निगरानी दे हेठ रखा गया है। पीजीआई ने इस नू लेके बयान भी दिता कि हालत उन्हां दी स्थिर है। सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी हेठ ने पीजीआई चंडीगढ़ दे विच प्रकाश सिंह बादल भर्ती ने बुखार ते साह लैण की दिक्कत तो बाद उन्हां नू भर्ती करवाया गया सी। फिलहाल उन्हां दी हालत स्थिर दसी जा रही है। सीनियर डॉक्टर उन्हां दी निगरानी कर रहे ने। सीनियर डॉक्टर की निगरानी हेठ उन्हां दा इलाज चल रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ दे विच दाखिल ने। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट का फ्लैट खंगालिया है। गुरुग्राम वाले फ्लैट तो कई चीजा बरामद की गई ने। गहने, दो घड़िया, आधार कार्ड, पासपोर्ट मिलया है। करीब 5 घंटे तक फ्लैट की चैकिंग की गई। पार्किंग दे विच खड़ी सोनाली की कार की भी तलाशी ली गई है। सोनाली के परिवार की मौजूदगी तलाशी ली गई। ग्रीन सोसायटी के विच ए फ्लैट किराए से लिया होया सी जिसकी तलाशी ली गई है। इस तो पहला गोवा पुलिस हिसार रोहतक के विच भी पड़ताल कर चुकी है। हिसार च सोनाली के फार्म हाउस और संत नगर वाली कोठी तो लैके दफ्तर तक की चैकिंग की गई। सोनाली के परिवार के बयान भी दर्ज किए गए। रोहतक दे विच कल पीएस सुधीर सांगवान के परिवार तो भी गोवा पुलिस ने पुछगिछ की सी। हुण गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट का गुरुग्राम वाला फ्लैट खंगालिया है। उतों कई चीजा बरामद की गई ने। गहने, दो कड़िया, आधार कार्ड से पासपोर्ट मिले। करीब 5 घंटे तक चैकिंग चली है। पार्किंग खड़ी सोनाली की कार की भी तलाशी ली गई है। लगातार इस मामले की जांच चल रही है। पिछले दिनों सोनाली फोगाट की गोवा दे विच मौत हो गई सी। इस मामले की लगातार जांच की जा रही है। हरियाणा गोवा पुलिस पहुंची हुई सी। हिसार रोहतक ते गुरुग्राम दे विच जांच की गई है। टीम यहाँ जांच के लिए आई है। 2 बजे से लेकर अब तक वो उन्होंने सर्च अभियान चलाया। जो भी उनको लगा वो उन्होंने अपने साथ लेके वो जा रहे हैं। तो ये टीम आपको बेटर गोवा टीम ज़्यादा अच्छा। क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में अब तक सामने आया? नहीं, इन्वेस्टिगेशन हम चालू कर रहे हैं। आज हम लोग इधर आए थे करेंटेड अपार्टमेंट में। हमने चेक करवाया, जो कुछ भी ज़रूरी लगा हमने उसको थोड़ा सीज कर दिया है। बाद में हम उसको एग्जामिन करेंगे और देखेंगे क्या क्या निकलता है। क्या कुछ आपके यहाँ से कब्जे में लिया गया है सर? बहुत सी चीज़ें ली हैं। जो भी कुछ भी है वो इन्वेस्टिगेशन में आया हुआ है। मोगा दे विच महिला सरपंच दे घर ते फायरिंग हुई है। पिंड बुक्कनवाला दी सरपंच दे घर ते फायरिंग हुई। रात वेले अणपछातिया ने गेट ते 7-8 फायर कीते ने। सरपंच दे दियोर नूं धमकी भरे फोन आए सी। 25 लाख दी रंगदारी दी मंग कीती गई सी। कैनेडा बैठे गैंगस्टर अर्श डल्ला दे नाम तो फोन आए सी। पुलिस सूत्रां दे मुताबक 9mm दी पिस्टल दे नाल ए फायर कीते गए ने। मोगा दे पिंड बुक्कनवाला दी सरपंच दे घर ते फायरिंग हुई है। सरपंच दे दियोर नूं धमकी भरे फोन आ रहे सी ते कल रात वेले अणपछातिया ने घर के गेट से 7-8 फायर किए ने। 25 लाख की रंगदारी मंग रहे थे अर्श डल्ला के नाम से। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 9mm पिस्टल के नाल फायर किए गए ने। दीपक सिंगला साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। दीपक, तुहाडे कोल की कुछ पूरी जानकारी इस घटना के बारे, हुण तक की कुछ जांच दे विच सामने आया है? देखो जी, जिहड़ा हुण तक जांच दे सामने आया, एक दिन पहला जिहड़ा महिला सरपंच बुक्कनवाला दी महिला सरपंच हरबंस कौर उहदे घर दे बाहर फायरिंग की गई थी। कितने 7-8 राउंड के करीब जिहड़ी आ फायरिंग हुई थी। और यह भी दस्या जा रहा, जिहड़े साडे भरोसेयोग सूत्र ने उन्हां वल्लों यह भी दस्या जा रहा कि 7-8 फायर हुए थे। 9mm दी पिस्टल दे नाल हुए थे। 2 मोटरसाइकिल सवार आए थे। और यह भी जानकारी मिली है कि जिहड़ी महिला सरपंच है उन्होंने जेठ ने जिहड़े NRI ने उन्हों तो फरोती मंगी गई थी, रंगदारी मंगी गई थी। 25 लाख रुपए के करीब की रंगदारी मंगी गई थी, जिसनों लैके उन्होंने लगातार धमकियां आदि सगिया। और एक दिन पहला जिहड़ा उन्होंने घर के बाहर 8 राउंड फायर किए गए। यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस ने इस मामले के 3 लोगों के खिलाफ परचा दर्ज किया। एक जिहड़ा हैगा बायनेम है, जिहड़ा बायनेम परचा दर्ज किया। असली वो भी दसना चाहवांगा कि अर्श डल्ला का नाम आ रहा, अर्श डाला का नाम आ रहा, अर्श डाला और 2 अननोन व्यक्तियों से मामला दर्ज किया। 2 अननोन जिहड़े व्यक्ति ने मोटरसाइकिल सवार दसे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से आए थे और फायर की है। 7-8 राउंड फायर किए हैं क्योंकि 25 लाख की रंगदारी मंगी जा रही थी लगातार। जिहड़ा सुखजिंदर है, जिहड़े महिला का जेठ है सुखजिंदर, वो NRI ने कुछ ही दिन पहला मोगा आए ने, इतने बुक्कनवाला पिंड आए ने, पहला मनीला गए हुए थे, मनीला तो मोगा आए ने। यह सारी जानकारी है जी साढ़े भरोसेयोग सूत्रों को मिली है। मामला भी दर्ज किया गया और पुलिस सारे CCTV खंगाल रही है और CCTV की मदद के उन्होंने
ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। जी जी शुक्रिया दीपक पूरी जानकारी दे लई। तां हमला वरां नूं फड़न दी कोशिश कीती जा रही है। पिंड बुक्कन वाला मोगा दा मामला है जिथे सरपंच दे घर ते फायरिंग कीती गई है। 7-8 राउंड फायर किए गए ने गेट दे उत्ते जिस दीआं तस्वीरां वी असीं दिखा रहे हां। मामले दी जांच कीती जा रही है। अर्श डल्ला दा नाम लैके 25 लाख दी रंगदारी मंगी जा रही सी ते जिस तों बाद कल देर रात हमलावरां ने फायर कीते ने।